तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि दो नए चैनल आने वाले हैं डीडी फ्रीडेश पर, तो कौन से होने वाले हैं चैनल हम आपको बताएंगे। 73वीं 74वीं ऑक्शन होने वाली है और इसके चैनल आपको 1 नवंबर से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पर इससे पहले हमारे बारे में जान लो। तो डीटीएच के पंडित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त शिवम शर्मा आज आपको डीडी फ्रीडेश की एक नई अपडेट देने वाला हूँ। तो पर इससे पहले इंट्रो लगाओ यार। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, तो बात करें हमारे डीडी फीड्स की 73वीं ऑक्शन की, तो 73वीं ऑक्शन होने वाली है, वो ई ऑक्शन होने वाली है आप लोगों के एमपीजी 2 बॉक्स के लिए। और इस ई ऑक्शन में एक स्लॉट खाली था जिसके लिए ई ऑक्शन पहले नहीं हुई थी, पर इसके लिए अब 73वीं ऑक्शन होने वाली है। और इसी के साथ आप लोगों को 74वीं ऑक्शन इसी के साथ देखने के लिए मिलेगी। 74वीं ऑक्शन के चैनल भी आपको 1 नवंबर से एमपीजी 4 बॉक्स में देखने के लिए मिलेंगे। बात करें हमारी 73वीं ऑक्शन की, तो 73वीं ऑक्शन में डीडी फीड्स के एमपीजी 2 बॉक्स में एक स्लॉट खाली था जिसके लिए ई ऑक्शन होगी। और ये ई ऑक्शन आप लोगों की एमपीजी 2 बॉक्स के लिए होगी। और इस ई ऑक्शन में बात करें ई ऑक्शन कब होगी, तो ई ऑक्शन आपको 26 अक्टूबर 2023 को होगी। और इसके चैनल आप लोगों को 1 नवंबर से देखने के लिए मिलेंगे डीडी फ्रीडिश पर। एमपीजी 2 बॉक्स में 73वीं ई ऑक्शन का चैनल आपको 1 नवंबर से देखने के लिए मिलेंगे। बात करें हमारे एमपीजी 4 बॉक्स की, तो एमपीजी 4 बॉक्स के लिए 74वीं ऑक्शन होगी, क्योंकि MH1 दिल से ने अपना स्लॉट छोड़ दिया है जिसका कि एमपीजी 4 के लिए ई ऑक्शन होने वाली है 74वीं। ये ई ऑक्शन भी आप लोगों को 26 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगी। और इसके चैनल हैं वो भी आप लोगों को 1 नवंबर से ही देखने के लिए मिलेंगे। शॉर्ट वीडियो आप लोगों को आगे एक और वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो डीडी फीड्स से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।